स्वागत है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की इस खास प्रस्तुति आजादी के परवाने में, जहां हम याद कर रहे हैं भारत माँ के उन वीर सपूतों को जिन्होंने इस देश की आजादी की खातिर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इसी कड़ी में आज हम याद कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये शब्द थे लोकमान्य तिलक के। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के चिखली में जन्म हुआ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे तिलक जी। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। तिलक ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे। लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति में से एक रहे तिलक जी। तिलक ने इंग्लिश में मराठा दर्पण और मराठी में केसरी नाम से दो दैनिक समाचार पत्र शुरू किए, जो कि जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हुए, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता के बारे में लिखा और केसरी में छपने वाले उनके लेखों की उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। तिलक ने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे, और गांधी जी ने आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा, और नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक। तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नाम से एक लेख लिखा था, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध उन्होंने किया और इसके लिए उनको उपहार मिला भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत राष्ट्रद्रोह का अभियोग, और 27 जुलाई 1897 को उन्हें गिरफ्तार करके 6 वर्ष के कठोर कारावास के लिए मांडले जेल में बंद कर दिया गया। पर तिलक ने कारावास में रहते हुए अपनी लेखनी को माध्यम बनाया लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का। उनकी श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या को लेकर मांडले जेल में लिखी गई गीता रहस्य का कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। उनकी अन्य रचनाएं रही वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, गीता रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष और हिंदुत्व। यूं तो तिलक जी की पूरी जिंदगी हम युवाओं के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है, किंतु उनके ये शब्द हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं कि महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से नहीं मिलती और आसानी से मिली उपलब्धियां कभी महान नहीं होती। तिलक जी ने ये भी कहा था कि आपका लक्ष्य किसी जादू से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। कमजोर ना बने, शक्तिशाली बने, और ये विश्वास रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ है। तो ऐसी महान शख्सियत को हमारा कोटि-कोटि प्रणाम है। जुड़िए स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की विशेष श्रृंखला आजादी के परवाने से। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके सामने है। जय हिंद।